यूपी टीजीटी एंड पीजीटी वैकेंसी 2022। हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल रीड एंड टीच एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं टीजीटी एंड पीजीटी क्या होती है, इन दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं, आखिर क्या डिफरेंट है दोनों में, एंड इसके अलावा इन दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, इसमें एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, ठीक है, इंटरव्यू आपका होगा कि नहीं होगा, परीक्षा कैसे कराया जाता है, सभी का पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। एंड इसके साथ एक्चुअल में टीजीटी बेटर है कि पीजीटी बेटर है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। सो वीडियो में मेरे बने रहेगा, मैं आगे एक एक करके बता देता हूँ आपको। चलिए सबसे पहले टीजीटी को देख लेते हैं। सबसे पहले टीजीटी बात करते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मैं टीजीटी की फुल फॉर्म बताना चाहूँगा दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। आइए लिखते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि इसकी फुल फॉर्म से आपको पूरी आइडिया लग गया होगा कि जब टीचर नाम की आ गई तो ये बिल्कुल टीजीटी जो है टीचर लेवल की पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं, सही आपकी सोच है, बिल्कुल ये टीचर लेवल का ही पोस्ट है। इसकी हिंदी होती है दोस्तों अर्ध सरकारी स्कूल, ठीक है। दोस्तों एक्चुअल में टीजीटी का काम क्या होता है तो मैं बता दूं, अगर आप एक टीजीटी बन जाते हैं तो आपको क्लास वन से लेकर क्लास दसवीं तक की बच्चों को पढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। क्लास दसवीं के बच्चों तक आप पढ़ा सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग टीजीटी और पीजीटी को एक कोर्स मानते हैं, जो कि कोई कोर्स नहीं है। मैं बताना चाहूँगा ये कोई कोर्स नहीं होता है। टीजीटी बनने के बाद आप गवर्नमेंटली स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। टीजीटी बनने के बाद आप किसी भी राज्य स्तर वाले गवर्नमेंटली स्कूलों में आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओवरऑल इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, आइए वो जान लेते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, इसकी एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके होते हैं दोस्तों ग्रेजुएट प्लस बीएड। अब इसमें ग्रेजुएट आप किए हों, ठीक है, और इसके अलावा यदि आप एमडी या पीएचडी क्वालिफाइड हो तो इसमें कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, कुछ छूट मिलेगा इसमें। बाकी आप जान सकते हो, बाकी ग्रेजुएट आपकी जो होनी चाहिए, जिस विषय से आप किए हों, जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी लेना चाहते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपका 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे आप हिंदी से टीजीटी लेना चाहते हैं तो आपको आपका हिंदी कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन में 3 साल। इंग्लिश से लेना चाहते हैं तो इंग्लिश आपको कंप्लीट होनी चाहिए 3 साल। बाकी ओवरऑल जो भी सब्जेक्ट आल सब्जेक्ट के लिए है तो आपकी 3 साल आपकी जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने पहले बताया था ये एमडी अगर क्वालिफाइड होते हैं तो इसमें कुछ छूट मिलता है, एमडी या पीएचडी, ठीक है, पीएचडी क्वालिफाइड है तो इसमें आपको कुछ छूट मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो जान लेते हैं। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसकी जो एग्ज़ाम होगी बिल्कुल आपकी ऑफलाइन होगी, ठीक है, ओएमआर सीट पे होगी, ठीक है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, रिटेन एग्ज़ाम, ठीक है, रिटेन एग्ज़ाम, ठीक है। बाकी इसकी इंटरव्यू की बात करें, इसमें इंटरव्यू आपका नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ मुझे कॉमन इसमें देखी है, जो कि इसकी इंटरव्यू नहीं होती है। बाकी वो पीजीटी जब आपको हम समझाएंगे तो उसमें इंटरव्यू होता है, ठीक है, सारी बात हम बताएंगे। इसमें इंटरव्यू जो है इंटरव्यू को नहीं होता है इसमें, ठीक है।
बाकी आपको एक OMR सीट पे आपको फिलअप करना रहता है ऑफलाइन जो है, इसकी पूरी एग्ज़ाम ऑफलाइन कराई जाएगी, ठीक है। बाकी इसकी सैलरी की, सैलरी प्रोसेस की बात कर लेते हैं, इसकी सैलरी कितनी मिलने वाली है यदि आप एक TGT का बन जाते हैं, ठीक है। TGT एक बन जाते हैं तो आपको सैलरी लगभग कितनी दी जाएगी स्टार्टिंग टाइम में, चलिए सैलरी की बात कर लें। इसकी सैलरी है 44,000 से लेकर 1 लाख प्लस, यानी कि 1 लाख से आपका ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसकी ग्रेड, ग्रेड पे करें तो वो दी जाती है ग्रेड पे 4600, ठीक है। इसकी जो ग्रेड पे होती है 4600 होती है। बाकी मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, सॉरी। इसकी जो एज लिमिट है वो क्या है, चलिए एज लिमिट मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी जो एज लिमिट है वह आप मिनिमम 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 आप 21 और मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 60, ठीक है। एज ए क्लियर। TGT से जुड़ी मैं सारी आपको बात बता दिया हूँ, सारी जानकारी दे दिया हूँ। अगर कुछ भी मुझसे छूट जाता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियोस बना दूँगा, ठीक है। ओवरऑल मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें इसी TGT से जुड़ी जो भी बातें थी मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए अब देख लेते हैं PGT क्या होती है, ठीक है। अब दोस्तों जानते हैं PGT क्या होता है। इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बाकी मैं इस बता देता हूँ, आपको पता चल ही जाएगा। देखिए PGT का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। आइए लिखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड इसकी हिंदी होती है अर्ध सरकारी स्कूल, अर्ध सरकारी स्कूल, ठीक है, अर्ध सरकारी स्कूल। इसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें TGT में आप देखे थे 1 से लेकर 10 क्लास तक पढ़ा सकते हैं। इसमें जो है सीनियर क्लास की सीनियर स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हैं, जैसे में 11 से लेकर 12 तक की छात्रों को आप पढ़ा सकते हैं इसमें, ठीक है। यदि आप PGT बन जाते हैं तो आपको सीनियर क्लास को पढ़ाना पड़ता है, जैसे मैं पीछे बताया था 11th से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट को आपको पढ़ाना होगा, ठीक है, जो कि सीनियर ST स्तर से गवर्नमेंटली स्कूलों में, ठीक है, आप टीच कर सकते हैं यहाँ से। बाकी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पहले वो जानते हैं। आइए इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, तो इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं और इसके साथ साथ BEd और MA भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और साथ ही साथ में BEd और MA क्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। बहुत लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पोस्ट ग्रेजुएट ही बताते हैं, लेकिन मैं दोनों इसको दोनों मेंशन इसलिए किया हूँ क्योंकि इसमें मास्टर को मास्टर MA जो होता है मास्टर डिग्री होता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ छूट मिलेगा, कुछ बेनिफिट आपका होगा, ठीक है, कि जो कि बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं सोचा इसमें मेंशन कर दूँ, ठीक है। बाकी जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटर्न एग्ज़ाम यानी कि ऑफलाइन, जैसे मैं बताया था PGT और TGT दोनों का ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, कराया जाता है, ठीक है। इसका भी रिटर्न एग्ज़ाम कराया जाएगा आपका, ऑफलाइन होगा, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है। इसमें रिटर्न एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है, 425 अंक का, ठीक
ठीक है, 425 अंक का आपका रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा और इसमें इंटरव्यू है, ठीक है, पीजीटी में इंटरव्यू है, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं था, ठीक है। इसमें आपको इंटरव्यू देना होगा जो कि 50 अंक का होता है इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू आपको देना होगा जो कि आपका 50 अंक का होता है। और इसके अलावा यदि आपके पास राष्ट्रीय लेवल का कोई सर्टिफिकेट हो, जैसे स्पोर्ट लेवल का खेल कूद हो, तो उसका सर्टिफिकेट हो, उसमें आपको 25 अंक छूट मिलता है, बेनिफिट आपको दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं, आइए सैलरी इसकी जान लेते हैं कितनी है। यदि आप पीजीटी बन जाते हैं तो आपको कितना सैलरी दिया जाएगा, इसमें सैलरी की बात करें तो इसमें 47,000 से लेकर 1,00,000 प्लस है, ठीक है। इसमें ग्रेड पे है वह 4,800 है, ठीक है, इसकी ग्रेड पे 4,800 है। सो टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी से जुड़ी आपको सारी बातें मैंने बता दिया है। सो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।